हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम प्रज्वल सिंह है और मैं आपका टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कि आपका क्षार क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं और सूचक क्या होते हैं बच्चों पढ़ लिया। और आज आपकी हेडिंग लगी है पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसे हम कहते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएच, सो यू कैन से द फुल फॉर्म ऑफ योर पीएच विल बी योर पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन विल बी हियर। तो हम आपका स्टार्ट करते हैं पीएच मान बच्चों क्या होता है। तो पीएच मान के संबंध में सर्वप्रथम सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने बताया था बच्चों। तो सोरेनसन ने क्या बताया था, तो उन्होंने क्या बताया था कि जब हम किसी अम्ल को किसी सैल्यूट में या किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो वह आयनों के रूप में वियोजित हो जाता है और आपका क्या देता है, H प्लस आयन देता है। क्या देता है बच्चों, H प्लस आयन देता है। क्या इतनी बात आई समझ में आई, तो यदि समझ में आई तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। अब हम बताते हैं आपका पीएच मान क्या है। तो किसी भी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को बच्चों, इसे H प्लस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को हम क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। तो आओ इसके संबंध में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं बच्चों। तो पीएच मान के बारे में, पीएच मान के बारे में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो पीएच मान क्या होता है बच्चों, तो पीएच मान आपका क्या होता है, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता की ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं बच्चों, पीएच मान कहते हैं। तो पीएच मान क्या है, तो पीएच मान क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये क्या है, हाइड्रोजन आयन है और इसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं, सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के मान को हम क्या कहते हैं बच्चों, पीएच मान कहते हैं। तो इसे हम क्या कहें, पीएच मान, किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, विलयन उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक, किसी विलयन उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता ऋणात्मक लघुगणक के मान को पीएच मान कहते हैं। अतः तो बच्चों जो आपका पीएच मान होगा क्या होगा, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो ये बच्चों आप याद रखिएगा, ये फार्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो ये लिख कर जाइए एक नंबर आपका यूपी बोर्ड सन 2022 में आपका क्लियर हो गया, आपका एक नंबर यूपी बोर्ड सन 2022 में क्लियर हो गया और आएगा पीएच मान क्या होता है बच्चों। और पीएच मान का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसे भी आप ध्यान दीजिए। तो यहां पर देखिए बच्चों, अगर इस लॉग को हम अगले साइड भेज दें तो आपका क्या होगा, 10^-pH बराबर क्या बच्चों, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। यदि हम माइनस लॉग को उधर लेकर चले गए तो 10^-pH इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों,
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो इस फार्मूला को बच्चों आपको तो याद कर लेना है, जैसे कि हमारी नानी सुनाती थी परियों की कहानी, तो वैसे ही याद कर लो ये अपनी जुबानी। तो 10^-pH इक्वल टू बच्चों हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, और ये आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से आएंगे आपके यूपी बोर्ड में क्वेश्चन। यहाँ से क्या आएंगे बच्चों, आपके यूपी बोर्ड में क्वेश्चन। और अगर ये फार्मूला आपको याद रहेगा बच्चों तो आपका, हम कह रहे हैं 2 नंबर फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया। तो ये फार्मूला बच्चों आप याद रखिएगा, चाहे आपका ये पूछ लेगा पीएच मान बच्चों, और चाहे पीएच वगैरह दे देगा क्वेश्चन। सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस फार्मूला फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2022। तो आप बच्चों इसे याद रखिएगा, और इस पर हम कम से कम 3 न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों, जिससे कि हमारा पीएच मान का जो डाउट से एकदम खत्म हो जाए, एकदम खत्म का खत्म हो जाए बच्चों। और किसी चीज को खत्म करना तो सबसे पहले करेंगे हम जड़ पर वार। तो आइए करते हैं सवालों का भंडार। तो ठीक है बच्चों, अब हम आपके ये 3 क्वेश्चन देखेंगे, और तीनों क्वेश्चन आप चुटकियों में बच्चों हल करेंगे, अगर आपको चुटकी बजाने आती देखे, और तीनों क्वेश्चन बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं ये तीनों क्वेश्चन, और तीनों क्वेश्चन आप चुटकियों में हल करेंगे, अगर चुटकी बजाए तो बजाइए और क्वेश्चन को हल करके जाइए। तो आइए हम सीखते हैं क्वेश्चन बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है बच्चों, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किसी विलयन में का पीएच मान बच्चों कितना है, 4 है। मतलब पीएच मान क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर लिखिए, दिया है पीएच मान बच्चों कितना है, 4 है। तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बच्चों पूछ लिया है। तो आपको पता है सूत्र, सूत्र क्या पता है बच्चों, तो सूत्र जो पता है वो देखिए, आप जानते हैं पीएच मान बराबर क्या आता है बच्चों, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो अगर आपको बच्चों पीएच मान दे दे या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दे, और इसमें से कोई कुछ एक पूछ ले, तो आप ये फार्मूला न लगाने की बजाय आप डायरेक्टली, हमने आपको एक फार्मूला और बताया, मतलब जब आप लॉग को पीएच की तरफ भेज देते तो आपका यही फार्मूला क्या हो जाता है बच्चों, हम यही फार्मूला आपको यहाँ पर लिख रहे हैं, इसे ध्यान दीजिए। तो 10^-pH बराबर बच्चों हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो अब 10^-pH, तो 10^-pH बराबर क्या बच्चों, 4 है। तो रखिए, तो 10^-4 बराबर क्या बच्चों, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो मतलब क्या निकल के आई कि हाइड्रोजन आयन की जो बच्चों सांद्रता है विलयन कितनी है, 10^-4 मोलर है, मोल पर लीटर है। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर का सेकेंड क्या कहा है, तो इसमें कहा है बच्चों 10^-6 मोलर HCl का पीएच मान कितना होगा। तो 10^-6 मोलर HCl का पीएच मान क्या होगा, तो हाइड्रोजन आयन की जो बच्चों सांद्रता दे दिया कितना, 10^-6 दिया, और पीएच मान आपसे पूछ रहा है। तो अभी आप फार्मूला क्या जानते हैं, आप बच्चों यही फार्मूला लगा रहे हैं आपका, तो पीएच बराबर क्या होगा आपका, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो अगर आप लॉग को इस तरह साइड भेजेंगे तो 10^-pH बराबर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो क्या बच्चों आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पता है, तो हाँ, तो अगर आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पता है तो बच्चों रखिए, तो 10^-pH बराबर क्या बच्चों, 10^-6। तो 10^-6 अगर बच्चों आप आधार की तुलना करेंगे तो 10 से 10 खल्लास, तो माइनस से माइनस खल्लास, तो पीएच बराबर क्या आया, 6। यही है आपका उत्तर, इसे आप ध्यान दीजिए, जहां पर न समझ में आया हो बच्चों उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, अगर आप पूछेंगे नहीं तो हम बताएंगे कहीं, तो आप जरूर पूछिए और हम आपको जरूर बताएंगे अगले वीडियो में। तो ये रहा आपका पीएच मान। तो अब बच्चे यहाँ पर देखिए, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतना है, 1×10^-6 मोल पर लीटर है, तो विलयन का पीएच मान बताइए। तो हाइड्रोजन दिया है क्या बच्चों आपको, क्या दिया है बच्चों, कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1×10^-7 मोल पर लीटर,
तो बच्चों ये बताइए, हाइड्रोजन आयन मिल गया कि नहीं? हाँ, अगर आपको बच्चों हाइड्रोजन आयन मिल गया तो थोड़ा मुस्कुराइए और उत्तर ये देखिए बच्चों, फार्मूला आपके पास है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मिल गया और पीएच पूछा है बच्चों, तो आप डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं, या तो आप ये फार्मूला भी अप्लीकेबल है, लगा लीजिए इसे। तो पीएच बराबर क्या था बच्चों, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बच्चों आपको पता है, अगर ये फार्मूला वैसे भी हम लगा सकते कोई दिक्कत नहीं, एक गुणे दस घाते माइनस सात। क्या इतने बच्चों आपको समझ में आया? अगर बच्चों माइनस लॉग एक, लॉग वन का मान कितना होता है बच्चों, लॉग टेन का मान होता है वन, और लॉग वन का मान कितना बच्चों, जीरो होता है। तो ये तो आपका जीरो हो गया, तो मतलब क्या कहने का निकला, तो माइनस लॉग और यहाँ बच्चों क्या, ये तो आपका जीरो हो गया, तो हम आपका हल कर दे रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे। तो लॉग वन प्लस लॉग टेन की पावर माइनस सेवन, तो लॉग यम एन से बच्चों हमने तोड़ दिया, लॉग यम और प्लस लॉग एन, यहाँ पे टेन लिखिए या ना लिखिए कोई बात नहीं, हमने नहीं लिखा था, आप लिख भी सकते हैं, या तो कुछ लोग इस पर कमेंट करेंगे। तो आप बच्चों देखिए, लॉग वन का मान कितना होता है, लॉग वन का मान जीरो हो गया, तो आपका क्या है, माइनस लॉग टेन की पावर माइनस सेवन। तो अगर आप इसे भेजेंगे तो एक फार्मूला आप ध्यान दीजिए बच्चों, लॉग का कुछ फार्मूला, लॉग यम एन बराबर क्या होता है बच्चों, लॉग यम और प्लस लॉग एन, ये फार्मूला आपको ध्यान देने की जरूरत है, लॉग यम प्लस लॉग एन। और आपको पता है बच्चों अगली फार्मूला आपकी क्या होती है, लॉग लॉग एम की पावर एन बराबर बच्चों एन लॉग यम, ये फार्मूला बच्चों आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसे भेजेंगे तो माइनस और आपका माइनस सात आया बच्चों, और लॉग क्या आ गया आपका, टेन आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया बच्चों, तो आपका सेवन लॉग टेन आ गया, और लॉग टेन का मान वन होता है बच्चों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लॉग टेन का मान कितना था बच्चों, वन होता है। लॉग बेस टेन का मान कितना होता है, लॉग बेस टेन, टेन का मान कितना होता है, वन होता है, तो इसका मान तो वन हो गया, तो सात इंटू वन बच्चों कितना आ गया, सात आ गया। तो आपके जो पीएच मान निकल के आया बच्चों कितना आया, सात निकल कर आया। तो कितना निकल के आया बच्चों आपका, सात निकल के आया, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये सवाल में कोई दम था ही नहीं, और आप बेवजह का कर रहे थे अपने आप को परेशान, तो इसलिए अगर आपको सवाल समझ में आई हो बच्चों तो लाइक ठोक कर मारिएगा, और बच्चों इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, और वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और जो बचे कुछ डाउट्स हो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।